अब एक चीज पर लाडा रिलीवेशन करने के पहले अब मेरा ये क्या है सबर थिकनेस 30 मिलीमीटर, तो पैनल का थिकनेस क्या होगा? जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है? ये मेरा बड़ा है, तो हम इसी को ले करके चलेंगे। अब एक चीज और समझो कि पैनल का मेरा पोजीशन है, ये है 8 mm, और ये है 15 mm। तो रेल या इसमें कहीं भी ये फिक्स होगा रेल स्टाइल में, तो ये तो बैक साइड में प्लेट है, जो भी होगा फेस के साइड में, फ्रंट साइड में मेरा प्रोजेक्शन होगा। तो ये क्या है? ये मेरा 30 है और ये ग्रुप क्या हो गया 8 mm का, तो 30 - 8 हो गया मेरा इक्वल टू 22। तो ये साइज मेरा क्या होगा? ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11। तो 11 11 22 + 8 30 mm ये टोटल हो गया। तो अब ये जो है 30 - 11 कर दो तो क्या होगा? ये देखेंगे तो पैनल हमें नहीं दिखेगा, रेल के अंदर ही ये आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक अब मेरा हो गया 19 मिलीमीटर और ये 15 मिलीमीटर है। तो ये जब भी काटेंगे तो सिर्फ जहां पैनल से अगर कटेगा तो पैनल हमको दिखेगा, बाकी नीचे का पैनल हमको नहीं दिखेगा, और पैनल के बाद जो हमको रेल का पोजीशन कुछ मिलेगा। ये कितना होगा? तो 19 - 15 इक्वल टू 4 mm का पैनल और रेल के बीच में टॉप से देखेंगे तो ये मेरा 4 mm का डिफरेंस मिलेगा। या सेक्शन जो वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो स्टाइल ऑफ रेल के बीच में या पैनल और रेल के बीच में हमें 4 mm का गैप मिलेगा। टॉप में भी प्लान में भी जो है स्टाइल या प्लान पैनल के बीच में 4 mm का गैप मिलेगा, या रेल और इसके रेल और पैनल के बीच में 4 mm का गैप मिलेगा। अगर जितना भी डोर्स विंडो बता रहे हैं ये सभी को 1:20 का स्केल पर ड्राइव करना, तुम ड्राइव शीट पर, तो 1:20 का स्केल पर करोगे
टू 4 mm क्या हो जाएगा 4/20 दिस इज लेस देन ये हो जाएगा 0.4 और 0.5 mm का तुम्हारा पेंसिलिंग ही है तो ये तुम शो नहीं कर पाओगे तो उसी जगह थिक लाइन केवल करके शो कर देना इसका प्लान पर आते हैं ये मेरा बाल हो गया अभी मेरा वाल हो गया अब इस बीच में आ गया अब इसमें हमको ये शो करना है तो 8 mm का है 1:20 का स्केल पर का तो 0.5 mm का आएगा तो बहुत पतला सा लाइन आएगा यहाँ हम समझने के लिए ये दे दिए और यहां से यहां ये मेरा पैनल दिखा और यहां इंट्रा लाइन से 15 mm पर छोड़ देंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ बहुत हल्का सा गैप तुमको दिख रहा है लेकिन इतना भी गैप तुमको नहीं देगा बहुत यहाँ थिक लाइन कर देना तो ये मेरा हो गया फ्रेम का पोस्ट हो गया ये अब हम इधर डायमेंशन कर देते हैं सीधा (125/75) का ये मेरा पोस्ट का विड्थ हो गया और ये 75 mm वाली भाग बचा हुआ है
सेंटर इधर भी होगा। अब इधर जो है हम सिर्फ इसके बीच का डायमेंशनिंग करते हैं, तो में से 30 किया, ये हो गया 30, ये हो गया 95, तो टोटल ये 125 हो गया। और ये हो गया 75, दोनों साइड सेम हो गया डायमेंशनिंग। अब इधर का डायमेंशनिंग करते हैं, तो इधर क्या है, ये जो पैनल का पेनिट्रेशन है स्टाइल में, ये हम इसका डायमेंशनिंग सो निकालेंगे सीधा, क्योंकि ये बहुत छोटा आएगा, अबाउट टू 1 मिलीमीटर के लगभग में आएगा, तो हम डायरेक्ट स्टाइल का कर देंगे और बीच में पैनल का कर देंगे। तो और विड्थ ऑफ पैनल क्या है, 880, हो गया। और इधर क्या होगा, ये 75 है, तो ये हो जाएगा मेरा 60, और ये हो जाएगा 15, या इस डायमेंशन को हम ये एलिवेशन मिटा करके, एलिवेशन तुमको लिखना होगा, हम नीचे प्लान कर देते हैं, ऊपर में डायमेंशन कर देते हैं, लेकिन डायमेंशन करोगे नीचे में, उसके नीचे लिखोगे प्लान। तो हम यहाँ क्योंकि ये दे रहे हैं, यहाँ हम शो कर देते हैं, यहाँ कहीं से लिख दिए, और ये डायमेंशनिंग हम ऊपर में कर देते हैं। अभी इसको भी उठा देते हैं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जाएगा 60, रिमिट हो गया 15, और 100 में से 15 जाएगा तो ये बच जाएगा मेरा 85। सेम इस तरह से यहाँ भी होगा 85, 15, 60। अब सबको जोड़ो, और ये चीज यहाँ नीचे में करोगे, उसके नीचे लिखोगे
प्लान एट ए बी ए बी यहां हो जाएगा ये हो गया। तो ये हो गया प्लान मेरा। अब ये हम करना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गैप देकर क्योंकि अब सेक्शन लाइन इधर भी देना है तो सेक्शन लाइन इधर देंगे तो ये क्या होगा। अब हम लोग इसको जोड़ लें कि ये मेरा 1080 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिक्सटीन फिफ्टीन एटी फाइव एट एट जीरो एटी फाइव फिफ्टीन सिक्सटीन पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच बीस दो छः दो आठ नौ नौ आठ सत्रह सत्रह आठ पच्चीस पच्चीस आठ तैतीस तैतीस एक चौंतीस चौंतीस और छः यूनिट ऑफ सेंटर क्या ये तो मेरा 1200 ना आ जाएगा टोटल। ये तो आएगा मेरा तो दो आठ नौ नौ आठ सत्रह सत्रह आठ पच्चीस पच्चीस आठ तैतीस तैतीस एक चौंतीस छः चालीस चार आठ चार बारह। तो ये तो मेरा फुलफिल हो गया डोर का विड्थ। अब हम लोग और अगर इसको भी चेक करना चाहते हैं तो इसमें से क्या घटेगा 60 और 60 120 माइनस करेंगे अब तो इसका जरूरत भी नहीं है इसको हम लोग मिटा दे सकते हैं आराम से। ये जो है हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा तो खैर अब मिट गया तो मिट जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एक 1200 कहने हैं 180 और 200 280 एक दो तीन चार ये सब रेल का साइज हम दे दिए और 850 पर हम लोग कैलकुलेट किए थे तो
तो क्वेश्चन में दिया हुआ था मूलियन आदि का, वो है कि तुम इलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मूलियन दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अभी हमको मिनिमम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये जल्द से जल्द मेरा कंप्लीट हो जाए। और जल्द से जल्द कंप्लीट होने के लिए चाहिए कि जितना कम कंपोनेंट है उतना आसानी से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका सेक्शन पार्ट पर आते हैं। एफएल लिंटेल के बारे में बताए थे कंपोनेंट में, तो बिना लिंटेल का हम ऊपर ब्रिकवर्क नहीं कर सकते। तो ये 5 मिलीमीटर है, 1850 में भी जस्ट यहाँ थिक लाइन कर दो। और बॉटम ऑफ द शटर से न करके हम फ्लोर लेवल से डायमेंशनिंग करेंगे। ये मेरा रेल हो गया और ये बीच में जो दिख रहा है साइड से 11 मिलीमीटर छोड़ करके यहाँ लाइन लिए, यहाँ लाइन लिए, यहाँ लाइन लिए, तो पैनल का बैक साइड मेरा मिल गया। अब 8 एम छोड़ करके आ गया, तो इसको हम दूसरे
साइड में है, तुम कर देते हैं सेक्शन पार्ट को। तो जितना भी खाली पार्ट यहां दिख रहा है रेल और पैनल के बीच में, ये सभी स्टाइल का एलिवेशन हमको दिख रहा है, क्योंकि इधर से देखेंगे तो ये स्टाइल का पार्ट हमको दिखेगा। और ये हो गया मेरा हेड। अब हम यहां थोड़ा सा अलग करके दे दिए, तो वन फिफ्टी लिंटल हो गया और ये हो गया मेरा 60 15 85। ये 100 मिलीमीटर है, 85 प्लस 15 100 हो गया, और ये 75 है तो 60 प्लस 15 75 हो गया। ये अगेन 100 100। ये तो लॉक रेल है ना, लॉक रेल मेरा कितना था 180। पैनल का साइज क्या हो जाएगा, हम तो मिटा दिए, अब हम लोग फिर से कैलकुलेट करना होगा। तो 290 ये हो गया, इसका सेंटर मिल गया हमको, ये हो गया 290 और 850 हम लोग लिए थे, 850 माइनस 290 जीरो और ये हो गया परिमाण हो गया 4। छः और सात में से डूब गया 5, ये हो गया 560। ठीक है, अब क्या हुआ, तो 560 ये हुआ, तो 560 प्लस, तो अब ये हो जाएगा यहां तक का है कि मेरा क्या हो गया। अब सबको सेवेंटी फाइव एट्टी फाइव हंड्रेड हंड्रेड और ये हो गया 180, 560, 200,
यहाँ हो जाएगा फाइनल राउंड क्लियरेंस, तो 200 होगा प्लस 5, ये इतना हो गया। तो यहाँ तक हम लोग ले लिया, उसके बाद फिर बीच का ले लिया, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2100 हो गया। 5, 5, 10 और 5, 15 1, 7, 8, 8, 16, 16, 8, 24, 24, 30 30, 3 बचा, 3, 4, 5, 5, 10, 12 1205 में, और 2100 में से 1205 में घटा दो, तो ये मेरा हो जाएगा 5, 9 और यहाँ 10 में से 895। कहीं हम लोग पहले मिस्टेक किए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ आ रहा है सही, 60 प्लस 15 75 85, इसको 100 180 560 200 500, इतना जो आ गया ये 1200 1 5 10 15 15 1 7 8 8 16 16 24 24 30 30, इसके शून्य मतलब 3, 3, 4, 5, 5, 10, 12 1205 हो गया। ठीक है हमारा 800, हमको लगता है कि उधर हम लोग कैलकुलेशन में दोनों पैनल अच्छा, एक सौ तो ये था टोटल, ये था ना 995, हाँ तो 100 तो ये माइनस हुआ, तो अब ये 895 हो गया। 895 को हम ये कर सकते हैं कि दो पार्ट में तोड़ दें, एक को 450 और एक को 445, तो ये 895 हो जाएगा। तो यहाँ कर दिए 450 और यहाँ 445, तो ये मेरा पूरा डायमेंशन मिल गया। तो ये टोटल 2100 के बराबर हो गया, तो सभी डायमेंशन हमको मिल गया। अब यहाँ नीचे में लिख देंगे, यहाँ पर एट सी डी, तो ये मेरा एक ही लाइन में रहेगा, तो ये मेरा पैनल डोर का एलिवेशन प्लान और सेक्शन तीनों कंप्लीट हो गया।